Now next ही program based on array properties के इसमें इसने one dimensional array declaration पढ़ गया है, इसे array के लिए already उन्हें diagram पढ़ गया है। Array के केस में कोई भी size पढ़ नहीं गया, लेकिन number of initialized elements कितने 4, तो इसलिए space allocate करा 4 different elements, clear? अगर array का base address 100 है, तो next element का address क्या हो 102, 104, 106। Currently मैं इस program को discuss कर रहा हूँ according to Topicwise 3.0 compiler। Topicwise means region क्या इस केस में जैसे use कर क्या increment decrement operator, और increment decrement operator का क्या behavior कैसा है? Compiler dependent means हो सकता है different compilers के केस में इसका behavior कैसा represent हो, maybe different, इसलिए मैं इसका explanation provide कर रहा हूँ according to Topicwise 3.0 compiler। Topicwise 3.0 compiler में प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के रिस्पेक्ट में जस्ट टू बिहेवियर है, आइदर इनिशियलाइजेशन रूल और असाइनमेंट रूल। ये दोनों ही रूल मैं ड्यूरिंग ऑपरेटर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको ऑपरेटर्स के केस में कोई कंफ्यूजन है, आप पहले ऑपरेटर्स के सेशन वॉच कर सकते हो, उसके बाद इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करना पॉसिबल है, क्लियर? इस केस में जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है, increment decrement occurred during assignment के भी num के respect में variable num के respect में perform क्या हो रहा है, assignment operation। और assignment operations के केस में increment decrement का रूल क्या है, perform all pre operation may be pre increment may be pre decrement, pre operations perform करने के बाद second केस में perform क्या होगा, just assignment, second one assignment, then assignment के just और perform क्या होगा, all post operation, means इस केस में पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट का परफॉर्म है आफ्टर असाइनमेंट, लेकिन प्री इंक्रीमेंट का परफॉर्म है जस्ट बिफोर असाइनमेंट। तो इस केस में जस्ट टू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्रिएट हो रहे हैं, आई एंड नम, वेरिएबल आई विद इनिशियल वैल्यू 0, वेरिएबल नम, वेरिएबल नम में जस्ट असाइन किया हुआ रिजल्ट ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। इस केस में परफॉर्म कर रहा है परफॉर्म ऑल प्री, तो काउंट कर लो, इस केस में नंबर ऑफ प्री इंक्रीमेंट्स कितने हैं 1, 2, 3, टोटल 3 प्री इंक्रीमेंट फाउंड हो रहे हैं, 3 प्री इंक्रीमेंट परफॉर्म किस में हो रहा है, वेरिएबल i के रिस्पेक्ट में। तो 3 टाइम्स इंक्रीमेंट कराओगे तो i का इनिशियली 0 से क्या हो जाएगा, जस्ट 3। नेक्स्ट वन असाइनमेंट, असाइनमेंट कराने के रिस्पेक्ट में जहां जहां आपने i यूज किया है, i के प्लेस पर रिप्लेस क्या करा हुआ है, i का करंट वैल्यू, इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, करंट वैल्यू ऑफ i व्हिच इज 3, अगेन इस प्लेस पर भी क्या रिप्लेस होगा, जस्ट करंट वैल्यू ऑफ i व्हिच इज आल्सो 3 एंड अगेन 3, क्लियर? नेक्स्ट वन, इसके जस्ट आप a ऑफ 3 के प्लेस पर रिप्लेस क्या कराएंगे, वैल्यू ऑफ a ऑफ 3, a ऑफ 3 में एरे के अंदर जस्ट वैल्यू क्या फाउंड हो रहा है, एग्जैक्टली 20, 20 प्लस 3 इज 23, 23 प्लस अगेन 3 इज 26, फाइनली से एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है, 26 असाइन टू द वेरिएबल num, वैल्यू ऑफ नम बिकम्स 26। असाइनमेंट भी हो चुका है, देन असाइनमेंट के बाद क्या, ऑल पोस्ट ऑपरेशन, लेकिन कोई भी पोस्ट इंक्रीमेंट फाउंड नहीं हो रहा, इसलिए आपको परफॉर्म करने की नीड नहीं है। फाइनली इस केस में जस्ट प्रिंट एफ फंक्शन से डिस्प्ले क्या करा, वैल्यू ऑफ नम, और करंटली नम में क्या फाउंड हो रहा है 26, इसलिए इसका आउटपुट भी क्या प्रिंट हो, ऑल्सो 26।